नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की और इस घोषणा की जानकारी न्यूज एजेंसी AFP ने दी। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस का टीका तैयार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनकी बेटी ने भी इस वैक्सीन को लिया है। व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि उनकी बेटी को कोरोना वायरस हुआ था, जिसके बाद उसे ये नई वैक्सीन दी गई। कुछ देर के लिए उसका तापमान बढ़ा, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का कई जगह ट्रायल चल रहा है। WHO के मुताबिक करीब 100 से अधिक वैक्सीन बनाने पर काम किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, चीन, रूस, भारत जैसे देश शामिल हैं। अब अगर रूस की ओर से किया गया ऐलान सही साबित होता है और WHO की ओर से इस वैक्सीन को मंजूरी मिलती है, तो दुनिया भर के लिए ये एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। हालांकि कई देशों का दावा है कि वो अगले कुछ दिनों में COVID-19 का वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में कोरोना के करीब 2 करोड़ मामले सामने आ चुके हैं। लाखों लोग इस वायरस की वजह से काल के गाल में समा चुके हैं। ऐसे में वायरस की वैक्सीन की खबर से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। रूस की वैक्सीन गैम कोविड वैक लायो को रक्षा मंत्रालय और गामलेया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। दावा किया है कि यह दुनिया की पहली वैक्सीन है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।